इसी देर कल रायपुर का कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए सुनाते हैं। हम चुनाव आयोग के पास बहुत जल्दी जाने वाले पहले मनमोहन वैद्य जी को निकाले आरएसएस से बाहर, अगर अमित शाह जी की हिम्मत है, आजकल तो आरएसएस से बड़े तो अमित शाह हो गए, तो हो सकता है निकाल भी दें, निकालिए ना। उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, और एक मिनट अभी सबका सबकी बात सुनेंगे, और अभी इनके नए नए मित्र बने हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका वीडियो है, पुराना है लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद भाजपा ने इनको अपने साथ कर लिया। स्पष्ट कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, 45 साल का रिकॉर्ड अगर टूट जाए बेरोजगारी का, पेपर लीक, लोग कई कई साल तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नौजवान हमारे साथी, और फिर पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम निरस्त हो जाता है, भर्ती नहीं हो पाती। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख जो रिक्त पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, वो हम भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ एक ठोस कानून हम लेकर आएंगे। मुझे बताइए, हमने तो मुस्लिम लीग का कभी मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, प्रधानमंत्री ने पढ़ लिया होगा, उनका तो मोहब्बत है मुस्लिम लीग से। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं एक शब्द मुस्लिम लिखा हुआ या हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ मिल जाए आपको, मैं प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को चुनौती देता हूं, दिखा दें मुझे। बिना पढ़े बोलने की जो बीमारी है ना, ये भारी पड़ रही है देश को भी और प्रधानमंत्री को। मुस्लिम लीग से इनके रिश्ते, इनके जो वैचारिक पूर्वज हैं हिंदू महासभा, जग जाहिर रिश्ते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान किया तो हम सब, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देके भारत छोड़ो में आ गए। उस वक्त तीन राज्यों में, तीन असेंबलीज में, प्रोविंशियल असेंबलीज में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई, सिंध में, बंगाल में, एनडब्ल्यूएफपी में, और वहां पाकिस्तान बनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। इन दोनों की जुगलबंदी में क्या क्या हुआ है आप मुझसे ज्यादा इतिहास जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शायद इतिहास नहीं जानते। मैं आपको 2009 से शुरू करूंगा इस यात्रा को। दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया,